हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में हम कैसे कंडीशन लगाएंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। यानी इफ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कंडीशन लगा करके ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हम ये कर पाएंगे, आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये एक्सेस ओपन है और यहां से क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। ब्लैंक डेटाबेस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है, तो क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप देख सकते हैं ये इंटरफेस आपके सामने आ गया है। यहां से व्यू पे क्लिक कीजिए और यहां पर दो व्यूज नजर आएंगे, एक डिजाइन व्यू, एक डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि हम जा रहे हैं डिजाइन करने, ठीक है, तो यहां पे डिजाइन व्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहां पे ये टेबल वन आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट की टेबल बना रहा हूं तो यहां पे प्रोडक्ट लिख सकता हूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट और यहां पे लिख देता हूं टी, यानी प्रोडक्ट की टेबल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट की टेबल, ओके। तो अभी प्रोडक्ट की टेबल आपके सामने आ चुकी है। यहां पर ये आईडी है तो आईडी प्राइमरी की बनाई गई है, प्राइमरी की यानी कि यूनिक की होती है। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, यहां पे लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये लिख दिया नेम, फिर लिखा ऑफ, फिर लिख दिया प्रोडक्ट। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद यहां पर आते हैं तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसमें ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूं। और यहां पर कर देते हैं प्राइस, क्या कर दिया, प्राइस कर दिया, ठीक है। प्राइस करने के बाद इसको करेंसी डेटा टाइप रख देते हैं, तो यहां से करेंसी चूज कर लेंगे ड्रॉप डाउन से। और फिर यहां पर यूनिट की बात करेंगे तो ये यूनिट कर देंगे, यूनिट डेसिमल में भी हो सकता है, तो इस वजह से यहां पर नंबर रख करके और इसे बना लेंगे हम डबल, तो डबल बना लेंगे। तो फायदा ये होगा कि यू कैन एंटर इन डेसिमल ऑल्सो। यहां पर हम टोटल की बात करेंगे, यानी टोटल हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया टोटल, समझ में आ रहा है। जैसे ही टोटल लिखेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करना है। तो ये कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप आपको 2016, 19, 21 इन सब में मिलेगा, इसके पहले आपको ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना यूनिट से, ये तो मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं। तो ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से, लेकिन अभी हमें कंडीशन वाइज लगाना है। ध्यान दीजिएगा, हम जो डिस्काउंट देंगे वो कंडीशन के हिसाब से देंगे। देखिए डिस्काउंट देना एक अलग बात है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट ये एक दूसरी बात हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आज के इस वीडियो में हम कंडीशन वाइज डिस्काउंट देंगे। तो यहां से व्यू पे क्लिक कर देता हूं, टेबल एक ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यस कर देते हैं। तो ये एक टेबल हमारे पास बन गई है। अब यहां प्रोडक्ट के नेम आएंगे, तो यहां पे प्रोडक्ट के कुछ नेम मैं एंटर करवा लेता हूं। जैसे यहां पे लिख दिया मैंने कीबोर्ड, ठीक है, फिर यहां पे आएंगे तो कीबोर्ड की प्राइस लिख देंगे, जो भी प्राइस है कीबोर्ड की यहां पे दे देंगे। फिर यहां पे यूनिट आएगा, यूनिट के बाद यहां पर आएंगे नीचे, फिर दूसरा प्रोडक्ट, ऐसे ही करके हम कुछ यहां पे प्रोडक्ट एंटर करवा लेते हैं, प्रोडक्ट के नेम, ठीक है। यहां पे एलईडी मॉनिटर कर देते हैं, ओके, तो ये कर दिया एलईडी मॉनिटर, और प्राइस यहां पे दे देते हैं लाइक 12,000, ये 12,000 दे दिया। और साथ मॉनिटर की बात करेंगे, फिर यहां पर आएंगे, इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स जो हैं हम यहां पे एंटर करवा देंगे। और यहां पर क्या करता हूं, 70 माउस जो है यहां पे रख देता हूं मैं। तो यहां पे देख सकते हैं ये आ गया है, लेकिन अभी हमें डिस्काउंट भी लगाना है और ये डिस्काउंट होगा कंडीशन वाइज। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना क्वेरी में गए हम डिस्काउंट लगा दें यहां पर, वो भी कंडीशन वाइज? तो बिल्कुल है। आप वापस से चले आइए डिजाइन व्यू पर, हम क्वेरी नहीं बनाने वाले हैं, यहीं पर डिजाइन व्यू पर डिस्काउंट लगा देंगे। अगर आप 2007 यूज करते हैं तो आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर अलग से एक डिस्काउंट का फील्ड ऐड कर देता हूं, ये कर दिया डिस्काउंट, ठीक है, ये डिस्काउंट कर दिया हमने। अब डिस्काउंट कर तो दिया है हमने, लेकिन अब डिस्काउंट को हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद कैलकुलेटेड डेटा टाइप हम ले पहले हम आई इफ लगाएंगे। देखिए एक्सेल में केवल इफ होता है, यहां पर आप आई इफ का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आई इफ लगा दिया है हमने, और अब यहां पर हम देंगे क्या, टोटल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर टोटल आपको दे देना है इस तरीके से, टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। टोटल अगर 500 से ज्यादा है, या फिर यहां पे 5000 कर देते हैं, 1000 ठीक रहेगा, ये हो गया। तो ऐसे में डिस्काउंट क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 500 का, कितने का, 500 HUNDREDS 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कर लिया हमने, अगर फिर अब इसमें क्या करेंगे, फिर आई इफ देंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉमा लगाएंगे और फिर देंगे यहां पे आई इफ, ये कंडीशन दे दी हमने एक और। फिर हम कहेंगे कि अगर टोटल, ठीक है, अब यहां पे घटाएंगे हम,
बढ़ाएंगे नहीं बल्कि घटाएंगे। तो यहां पर 3000 या 3000 के बराबर है, 3000 से ज्यादा है या 3000 के बराबर है ऐसे कंडीशन में, लेकिन 5000 से कम है, यह ध्यान दीजिएगा, 5000 से कम लेकिन 3000 से ज्यादा या 3000 के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में कितना डिस्काउंट मिलेगा वो हमको यहां पर देना है। तो यहां पे कॉमा लगाते हैं, यहां पे कर देते हैं 300, कितना करेंगे 300, HUNDRED 300, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है, डबल इंटेड कोट्स को। लास्ट में दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है जैसा कि आप जानते हैं इफ में। तो यहां पर कर देते हैं जीरो, डिस्काउंट कितना मिलेगा जीरो, इससे कम का अगर खरीदे होंगे तो डिस्काउंट जीरो मिलेगा, ठीक है। ये हमने पूरा कंडीशन लगा दिया है, सारा सेटअप कर दिया, अब यहां से बस ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद व्यू पे क्लिक कर दीजिए, व्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं कि ये केवल 1800 रुपए की यहां पे सेल हुई है और 1800 के लिए जीरो डिस्काउंट है। यहां पर देखिए ये 500 यहां पे डिस्काउंट मिला हुआ है। यहां पर आते हैं कुछ और इसमें हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लाइक हेडफोन है, हेडफोन तो ये लिख दिया हेडफोन, ठीक है। और हेडफोन मान लीजिए, अब अभी हमने जो कंडीशन दिया उसके मुताबिक, ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन दिया उसके मुताबिक हेडफोन एक की कीमत है 770 रुपए, ठीक है। और ऐसे ऐसे पांच या सात, सात कर देते हैं, सात देखते हैं कितना आता है, यस तो ये ज्यादा हो जा रहा है। यहां पे क्या करते हैं, तीन कर देते हैं, तीन, ठीक है, तीन पे जीरो रहेगा, और थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, इसको चार करते हैं, चार पे देखते हैं, 3000 से ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए तीन अगर मैंने कर दिया तो ये यहां पर कंडीशन के हिसाब से ये अपने आप जो है कैलकुलेट होकर आ गया। तो ये कंडीशन के हिसाब से कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं, आगे और भी कंडीशन दे सकते हैं, आई बात समझ में। अगर आपको कंडीशन कुछ और बढ़ाना है तो और भी दे सकते हैं, बढ़ाएंगे कैसे, देखिए जो आपने किया है उसी में जाके आपको बढ़ा देना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी हो। तो ये थोड़ा सा जूम भी किया है मैंने, अब आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं, ये देखिए यहां पर कंडीशन और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहीं पर फिर से इफ लगा देंगे, क्या लगाएंगे, आई इफ, ठीक है, आई इफ लगाएंगे तो यहां पर कंडीशन इंक्रीज होगी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंडीशन मैं बढ़ा रहा हूं फिर से, तो इफ, फिर कहेंगे टोटल, टोटल की ही बात करनी है हमें, हर बार हम किस चीज की बात कर रहे हैं, टोटल की ही बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब फिर यहां लिखेंगे टोटल, TOTAL, अगर टोटल क्या है, बड़ा है या बराबर है, ठीक है, 2000 के, ठीक है, लेकिन 3000 से कम है, ये कंडीशन में ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में 100 रुपया, केवल 100 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, HUNDRED 100s, ओनली लिख देता हूं, ओनली, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको क्लोज कर दिया, अगर इससे कम का सामान खरीदेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो कर देते हैं, ZERO 0। तो इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर इसको यस कर देते हैं, तो अब देखिए यहां पर कंडीशन कुछ चेंज हो जाएगी और, ठीक है, अब यहां पर कर देते हैं लाइक ईयरफोन, ईयरफोन कर देते हैं, ईयरफोन कुछ इस तरीके से ईयरफोन कर दिया हमने। ईयरफोन करने के बाद यहां पर देना है इसकी प्राइस, तो मान लीजिए कि ईयरफोन की प्राइस है 500 रुपए, ठीक है, और ऐसे ऐसे चार ईयरफोन आपने यहां पे सेल कर दिए, तो यहां पे हंड्रेड्स ओनली आ रहा है, देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए यूएसबी है, यूएसबी केबल, ये लिख दिया यूएसबी केबल, तो यूएसबी केबल है और ये जो है मान लीजिए कि एक यूएसबी केबल है 200 रुपए की, 200 कर दिया हमने, और ऐसे ऐसे चार या पांच, पांच यूएसबी केबल बिके तो यहां पर डिस्काउंट आ जाएगा जीरो, ठीक है। अगर छह भी कर देते हैं, सात भी कर देते हैं या आठ भी कर देते हैं तो भी जीरो ही रहेगा। ये कब तक जीरो रहेगा, जब तक कि आप यहां पर 2000 का अमाउंट नहीं लेके आ जाते हैं तब तक ये जीरो रहेगा। इस तरीके से आप कंडीशन दे सकते हैं, उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई होगी, बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।